हमें आप ऐसा वरदान दे दो जो हमारी उम्र सारी जीवन 5 वर्ष की ही मालूम पड़ती रहे। जैसे ये वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने क्रोध में आके कह दिया कि जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 5 ही वर्ष की अवस्था में बने रहो। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया, मगर वो श्राप उनके लिए वरदान बन गया। जैसे ही क्रोध में आके कहा तो परीक्षित महाराज ब्रह्मा जी के मस्तक से एक पसीना की बूंद उस जल में टपक के गिरी तो उसमें एक रोता हुआ पुत्र पैदा हुआ। देखते ही देखते बड़ा हो गया तो उसका पुत्र का नाम पड़ा रुद्र भगवान। रुद्र भगवान जानते हो, भोले बाबा को कहते हैं, भोले बाबा को। जैसे ही रुद्र भगवान से कहा कि बेटा आप सृष्टि की उत्पत्ति करो, उसी समय रुद्र भगवान ने तमोगुणी संतान को जन्म दिया। भूत चुड़ैल सर्प बिच्छू कांतर तमोगुणी संतान को जन्म दिया। जैसे ही तमोगुणी संतान बना के तैयार की, ब्रह्मा जी कहने लगे ठहर जाओ, आप ये तमोगुणी संतान बना के तैयार कर रहे हो, जे आगे चल के मनुष्य जाति को रहने नहीं देंगे। रुद्र भगवान कहने लगे आपका यदि आदेश हो तो बिगाड़ दूं। जवाब दिया नहीं, जो चीज सृष्टि पे उत्पन्न हो गई उसे आप बिगाड़ नहीं सकते हो, ये समय समय पे अपना कार्य करेगा। उसी समय रुद्र भगवान से कहा आप वन में चले जाओ, भजन करो। रुद्र भगवान को वन में भेज दिया भजन करने के लिए। नारद जी को अपने मन से पैदा किया, नारद जी को अत्रि को अपनी आंखों से पैदा किया। फिर एक इनके बात दिमाग में आई कि बिना नारी के संसार की उत्पत्ति नहीं होगी, और ये अपने मन में सोचने लगे हैं।